हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़नीन। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गाइस तो देखिए, आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी साथ में आई हूँ। एंड ये है मेरी शिमला मिर्च कैप्सिकम। एंड मैं बनाने वाली हूँ आज भरना शिमला मिर्च। वो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। एंड ये मेरे पोटैटो हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये मेरे 5 पोटैटो हैं छोटे छोटे। तो एंड ये मेरी है 1 ऑनियन, 2 हरी मिर्च, एंड ये गार्लिक है, लहसुन एंड 2 पिंच हींग। अब जो हम भरवा शिमला मिर्च बनाने वाले हैं कैप्सिकम, उसको ये जो है इसको हटा देंगे, रैप कर देंगे। और इसको हमें अंदर से जितने बीज होंगे इसके, वो हमें इसे निकाल लेने हैं। और बाकी कुछ भी कट नहीं करना, बस इसको अंदर से जो खोखलापन होता है, खाली होता है, उसे खाली करना है। उसके बाद में हम इसको अपनी स्टफिंग की तरह इसे बनाएंगे। भरमा शिमला मिर्च बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। एंड चलिए मैं आपसे फिर शेयर करती हूँ। एंड इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी कैप्सिकम इस तरीके से अंदर का जो सब वो निकाल लिया है, खाली कर लिया है। एंड ये है हमारा अंदर का जो निकला हुआ, ये वेस्ट है। इसको आप किसी भी वेजिटेबल जो बनाए आप उसको भी ऐड कर सकते हैं एज यू विश। तो बाकी अब इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो अब एक पैन रखते हैं। पैन में हम हल्की सी जो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम है, उसको हल्की सी फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑनियन गरम हो चुका है। एंड अब जो मेरी कैप्सिकम थी, इसको मैं हल्की सी लाइटली से फ्राई कर लूंगी स्लो पे। स्लो पे रखना है, थोड़ी ज्यादा फ्राई जाएंगी। अच्छा, हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करना है और गैस में अगर स्लो पर रखना है, अगर हाई से करेंगे तो हमारे कैप्सिकम ज़्यादा सिक जाएंगी। तो हमें लाइटली सेकनी है। अभी से हमें इसको निकालेंगे और अपनी स्टफिंग रेडी करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा, लहसुन एंड ऑनियन एंड 2 पिंच हींग। तो देखिए, हमारी फ्राई हो गई है। इसलिए हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, हल्की सॉफ्ट करनी, ब्राउन ब्राउन राइस नहीं आना चाहिए हमारा। ये हमारा फ्राई हो चुका है। उसके बाद डालेंगे हमें पोटैटो। अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले टेस्ट के अकॉर्डिंग। सॉल्ट मैंने 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच थोड़ा सा कम। धनिया पाउडर, टर्मिक यानी कि हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये जो कैप्सिकम भरमा सब्जी है शिमला मिर्च की, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर, ताकि क्योंकि हम इसमें टमाटो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मैं आमचूर ऐड करती हूँ थोड़ा सा। एंड थोड़ा सा गरम मसाला। ये देखिए, हमारी स्टफिंग बनके रेडी है। इसको मैंने खूब अच्छे से मैश कर लिया है। एंड ये रेसिपी बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनती है और झटपट से बन जाती है। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको जब भी आपका मन करे आप आराम से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो अब हमारी स्टफिंग बनके रेडी है। सी, तो अब जो हमारी ये थोड़ी सी स्टफिंग ठंडी हो जाए, गैस फ्लेम हम बंद कर देंगे। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद में तब हमने कैप्सिकम में इसे समय भर लेंगे। एंड इसमें मैंने टमाटो ऐड नहीं किया। टमाटो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटो जो होगा उससे हमारी जो स्टफिंग है उससे ड्राई नहीं बनेगी, उससे लिक्विड पर आ जाएगा। तो इसलिए आप टमाटो ऐड ना ही करें तो भी बेटर है, क्योंकि फिर इसमें थिकपन नहीं होगा। एंड मैंने टमाटो की जगह चाट मसाला ऐड किया हुआ है, तो आप टमाटर ना ही ऐड करें तो बेटर है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और अपनी स्टफिंग इसमें भर लेते हैं ठंडी होने के बाद में। यह समायरा, आप मम्मा को क्यों नहीं काम करने दे रहे हो? क्यों पछा कर? अच्छा, स्माइल करनी है आपको। ओके, स्माइल कर दो। हेलो हेलो चाचा। अच्छा ठीक है, खेल। ओके ओके, मायरा को स्माइल करने का बहुत शौक है। बस मम्मा को फोन देख ले, मम्मा मुझे स्माइल करनी है। स्माइल करती है, बोलती है। स्माइल करना।
ओके बैठ वेट वेट मम्मा भी कराएंगी। तो मेरी स्टफिंग बनके रेडी है, तो मैं गैस में बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद में अपना स्टफिंग जो है हमारी पोटैटो की वो हम इसमें भरेंगे। ये देखिए मैंने सारी स्टफिंग भी भर ली है कैप्सिकम के अंदर। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा 2 स्पून ऑयल डाला है। अब इसको हम जो हमारी कैप्सिकम थी वो थोड़ी सी कच्ची फ्राई तो हमने कर ली थी, बट हमने थोड़ी सी फ्राई की थी जैसे अब जो भी बचा कुचा इसमें बचापन होगा वो थोड़ा सा और हम फ्राई कर देंगे इसे और 2-3 मिनट के लिए इसमें ढक देंगे। तो हमारी ये शिमला मिर्च नॉर्मल शिमला बन के रेडी होगी। तो इसको हम आराम से डाल देते हैं। ऑयल इसमें बिल्कुल ही लाइटली बहुत ही कम यूज होता है। इसे हमें ढक लेना है इस तरीके से, सॉरी 2-3 मिनट के लिए इसे पकाना है, फिर हमारी बनके रेडी है, फिर मैं सर्व करूँगी। ये देखिए हमारी जो कैप्सिकम थी भरमा कैप्सिकम वो बनके रेडी है। कितनी यम्मी कितनी टेस्टी बनती है, बहुत डिलीशियस बनती है ये। एंड इसको जब भी आपका मन करे आप झटपट से इसे बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एंड इसको आप किसी के साथ भी खाइए, और राइस के साथ में खाइए, दाल चावल के साथ में खाइए, या पराठे के साथ में खाइए, या फिर रोटी के साथ में खाइए, एज अ विश। तो देखिए ये मेरी बनके रेडी है। जिस तरह से मैंने बनाई है आपको पसंद आएगी, तो आप भी ज़रूर बनाना ट्राई करना एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ में लेके आती रहूँगी। एंड गाइस अगर जो आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड ओके गाइस, तो ऐसी मैं अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी गाइस। ओके बाय बाय।